फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसी एक्सरसाइज जिन्हें अगर आप 7 से लेकर 10 दिन अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो ये अकेली 3 एक्सरसाइज ही आपके पूरे शरीर से चर्बी को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। इसके बाद आपको कोई बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है कि इन एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं अपने बेड पर ही दिन में किसी भी वक्त। खाना खाने के 2 घंटे बाद आराम से इन एक्सरसाइज को दिन में किसी भी वक्त किया जा सकता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हम अपना बिल्कुल नहीं करते हैं, सीधा सा फ्रेंड्स मैं आपको इन एक्सरसाइज को बताने वाली हूँ। कोशिश करिएगा अगर आपके पास समय है तो इन एक्सरसाइज का एक एक सेट आप मेरे साथ लगाने को, क्योंकि इससे आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगी और रिजल्ट भी आपको आज से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं एक्सरसाइज। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की वीडियो आपको हर रोज़ मिलते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहली जो फ्रेंड्स हमारी एक्सरसाइज है उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे साइड में आएंगे, अपने दोनों हाथों को अपने मैट पर, बेड पर, जिस पर भी कर रहे हैं, आराम से रिलैक्स करके रख लीजिए। अब इसमें हमें थोड़ा सा सांस का ध्यान रखना होगा। अगर आप ब्रीथ के साथ एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिल जाएंगे और फैट भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा बर्न होगा। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम सांस को छोड़ेंगे इस तरीके से और पीछे की तरफ अपनी बॉडी को हमें ले जाना है। देखिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ले जाएंगे और अपने मुंह को हल्का सा हमें नीचे की तरफ झुकाना है, जितना आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे से आप कर पाएं। सांस को छोड़िए और सांस को फिर हमें खींचना है, आगे की तरफ जाएंगे और हल्का सा जितना आप कर पाएं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि पूरी तरीके से आप मेरी तरह कर पाएं। सांस को खींचते हुए इस तरीके से आएंगे कोबरा पोजीशन में, फिर सांस को छोड़ेंगे, सांस को फिर हम खींचेंगे जितना आप आ सकते हैं। अगर आप इतना आ सकते हैं तो इतना भी कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको पूरी इसकी 10 से लेकर 20 बार प्रैक्टिस बता देती हूँ, तो आप चाहें तो मेरे साथ इसको अभी करके ट्राई कर सकते हैं। 1, 2, 3। देखिए इसमें आपका पेट बहुत अच्छे से टारगेट हो रहा है, आपकी अपर बॉडी, लोअर बॉडी, थाइस, हिप्स, पूरी बॉडी का फैट जाएगा इसमें। एक साथ आपकी पूरी बॉडी को ये एक्सरसाइज टारगेट करती है। तो कितना हुआ, 5, 6, 7। अगर आप जल्दी से जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं और आसान एक्सरसाइज ढूंढ रहे हैं तो इसको आप ज़रूर ज़रूर कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिल जाएंगे। 9, 10। पहले ही दिन कोई भी एक्सरसाइज परफेक्ट नहीं होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको कितना करना है इस एक्सरसाइज को, कम से कम 25 से लेकर 30 बार करिए। शुरुआत में आप इसको कम कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन बाद कोशिश करिए इसको पूरा 25 या फिर 30 टाइम तक कर पा रहे हो। सेट आप इसके 1, 2, 3 लगा सकते हैं या फिर शुरुआत में सिर्फ एक ही सेट लगाइए। तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी बॉडी से फैट को बहुत तेज़ी से कम करती है, आपका तेज़ी से वेट लॉस करेगी और बहुत जल्दी आपकी पूरी बॉडी शेप में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज, अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लेट जाना है। सीधा सा लेट गए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने दोनों पैरों को आप मोड़ लीजिए। कोशिश करिए जितना आप अपने जो पैर हैं, जो पैर की एड़ियां हैं, उनको अपने हिप्स के पास ला पाते हो, जितना आप कर पाते हो। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों हाथों की आपकी अंगुलियां हैं उनको एक दूसरे में इस तरीके से इंटरलॉक कर लीजिए और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचकर आपको ले जाना है। पूरी बॉडी को अच्छे से खींचिए। अब हम क्या करेंगे, इस लोअर बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और हाथों को भी एक साथ हमें लाना है। देखिए इस तरीके से फिर वापस जाएंगे,
फिर इसी तरीके से करना है। जब आप इस तरीके से करते हैं तो देखिए आपका जो पेट है वो बहुत अच्छे से जल्दी से कम होता है, पूरा खींचेगा। आपकी हिप्स पर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, थाइस पर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। ये आपका जो पूरा हिस्सा है बहुत अच्छे से टारगेट होता है और आपका फैट भी बहुत तेज़ी से बर्न होगा। नॉर्मल रखना है, ब्रीथ को आराम से करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप जल्दी से जल्दी अपना पेट, थाइस, हिप्स कम करना चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज को आप ज़रूर आज से ही ट्राई कर सकते हैं और रिजल्ट्स आपको बहुत तेज़ी से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको आपको करना है 25 times। शुरुआत में कम कर सकते हैं, एक दिन दो दिन बाद पूरा कोशिश करिए 25 times तक करने को। तो ये हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज। अब मैं आपको बताती हूँ लास्ट और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें क्या करना है। सबसे पहले इस तरीके से बिल्कुल आराम से अपने दोनों पैरों को ओपन करके बैठ जाना। ये बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है लेकिन रिजल्ट आपको इसके बहुत अच्छे मिल जाएंगे। जितना आप अपने पैरों को ओपन कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से ही आपको करना है। पैरों को ओपन कर लिया, अपने दोनों हाथों को खींच कर ऊपर की तरफ ले जाइए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करना, तो अच्छे से करिए इसको। जब आप ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो इस हिस्से को भी थोड़ा सा खींचने की आपको कोशिश करना है। अब बस सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना है, नीचे आना है और अपने जो दोनों पैरों के पंजे हैं, उंगलियाँ हैं, इनको सिर्फ टच करना है, वो भी सांस को छोड़ती है। किस तरीके से, जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपका पेट बहुत तेज़ी से कम होगा, पेट टारगेट हो रहा है, आपके थाइस पर बहुत अच्छा आपको खिंचाव महसूस होगा इस तरीके से जब आप आते हैं, और आपकी कमर का भी फैट है वो भी कम होगा और वेट लॉस आपका इससे बहुत तेज़ी से होता है। तो मेरे साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। इस एक्सरसाइज को आप आराम से 25 से लेकर 30 टाइम तक कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है इसको करने में। इनके सिर्फ कमर में दर्द रहता है वो इन एक्सरसाइज को नहीं करेंगे, इनमें से कोई भी एक्सरसाइज को नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी आज की एक्सरसाइज, ये सिर्फ 3 अकेली एक्सरसाइज ही अगर आप अच्छे से लेकर 10 दिन करते हैं तो मैं आपको इस बात की 100% तसल्ली दे सकती हूँ कि आपको बहुत अच्छे इनके रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन सिर्फ अकेली एक्सरसाइज नहीं, आपको डाइट का भी ध्यान रखना होगा, डाइट आपको कंट्रोल करनी होगी, हेल्दी डाइट लेनी होगी। तो आप अपनी डाइट पर अच्छे से फोकस करते हैं, हेल्दी खाते हैं, डाइट को कंट्रोल करते हैं, अपना पोर्शन कंट्रोल करते हैं, फिर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इन एक्सरसाइज को करना है और इसके बाद इस वीडियो पे वापस आगे 7 दिन 10 दिन के बाद मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपका फैट कम हुआ या फिर नहीं हुआ या फिर कितने दिन में हो गया, क्योंकि होगा जरूर। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटे वाला बटन जरूर दबाइए।